आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है और उसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा था। और मैरिनेट में मैंने थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ दिया है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है। अगर आप चाहो तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए है और मसालों में मैंने साबुत लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, कस्तूरी मेथी और मैंने काले मिर्च लिए है। और चलो अभी चिकन को बॉईल करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर में अभी 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अभी तेल गर्म हुआ है, हम उसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ आधा प्याज और उसको थोड़ा सुनहरी होने तक हम भूनेंगे। हमारा प्याज भून चुका है और अभी हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। और उसको 1-2 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे से अभी हमारे मसाले अच्छे से भुने हैं। अभी हम उसमें चिकन ऐड करेंगे। पूरा चिकन के पानी के साथ मैं उसमें डाल रही हूँ जो हमने मैरिनेट किया था, तो उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। अभी हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे तो वो अच्छा चिकन जो है अपना अच्छा बॉईल हो जाएगा। अब हमारा चिकन जो है वो अच्छा भून गया है। अब हम उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं और उसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और अभी मैं इसको 15 मिनट तक मीडियम गैस पर बॉईल करके ले लेंगे। जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है तब तक हम करी के लिए मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने बचा हुआ प्याज काट लिया है और इसमें 2 हरी मिर्च लिए है और लहसुन लिया है 3-4। उसके बाद मैंने थोड़ा सूखा नारियल लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। को तवे में डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। अभी हमारा प्याज जो है वो सुनहरा हो गया है। अभी हम उसको निकाल लेते हैं। नारियल जो है हमको हल्का सा फ्राई होने देना है क्योंकि मैं जो नारियल लिया था मैंने वो ऑलरेडी थोड़ा सा फ्राई करके रखा था। अभी हमारा जो सूखा नारियल है वो भी फ्राई हो गया है, उसको भी मैं मिक्सी में निकाल लेती हूँ पीसने के लिए। अभी मैंने जो सूखा नारियल और प्याज भून के लिया है उसमें हरी मिर्च डालेंगे और लहसुन डालेंगे और उसके बाद उसको पीस के लेंगे। अभी हम करी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें मैं पहले ऑयल डाल रही हूँ। उसमें हम अभी बचे हुए मसाले डाल देते हैं, लौंग, शाहजीरी, दालचीनी, मिर्च, तेजपत्ता और उसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और उसको 2 मिनट तक भून के ले रही हूँ अच्छे से।
इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने मसाला पीस के लिया था, प्याज और सूखा नारियल, वो ऐड कर रही हूँ। और उसको सुनहरा होने तक भून के ले रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है भून के रेडी है और वो तेल भी छोड़ रहा है और हमारा चिकन है वो भी बॉयल हो गया है। अभी इस मसाले में हम मसाले ऐड करते हैं। पहले मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला, और ये घर का बना हुआ काला मसाला 2 चम्मच। अभी मैं उसको अच्छे से मिक्स करके ले रही हूँ। मिनट हो गए और अच्छा सा फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी और उसको फिर एक मिनट भून के ले रही। जो कसूरी मेथी है जो अपना अच्छा सा स्वाद ये मसाले में छोड़े, इसलिए अभी हमारा मसाला जो है फ्राई हो चुका है। अभी मैं उसमें चिकन जो बॉईल किया है वो डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। जब हमने चिकन बॉईल किया था उसमें भी नमक डाला था, तो वो ध्यान में रखिए। अभी करी में आप नमक डाल दीजिए, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अभी आप देख सकते हो अपनी चिकन की जो करी है वो हल्के हल्के से तेल छोड़ रही है। अभी हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे 5 to 10 मिनट मीडियम गैस पर। अभी आप देख सकते हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल चिकन करी रेडी है।